हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के बारे में फिर से। और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में एक बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है, जो कि कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल जियो और वोडाफोन इंडिया तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी है। तो एक खबर के बारे में आपके साथ बात करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ अगले वीक के लिए क्या लेवल टारगेट हो सकते हैं, कौन से लेवल पे आपको अपनी नजर रखनी है, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे। अभी बात स्टार्ट करेंगे वोडाफोन आइडिया से कि वोडाफोन आइडिया की अभी सिचुएशन क्या। जल्दी है तो आज गिरावट का माहौल है 11 रुपए 30 पैसे। हालांकि गिरावट इतनी ज्यादा नहीं है, 0.44% की ही गिरावट यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। और कारोबार पे नजर डाल है तो कारोबार की सिचुएशन भी आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड यहाँ पे हाई जो बनाया 11 रुपए 55 पैसे और लो बनाया 11 रुपए 25 पैसे। और क्वांटिटी देखे तो 10 करोड़ 26 लाख शेयर की हुई है और 3 करोड़ 46 लाख शेयर की डिलीवरी है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो 34% है। ये सब जो है वो अभी मैं बात करूं तो 12 बजे तक की अपडेटेड सिचुएशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी। अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा डिसीजन लिया गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे जाकर के लाभ मिलेगा, ऐसा बातें बोली जा रही है, ऐसी बातें चल रही है। और मेरा खुद का भी ऐसा मानना है कि ये कहीं ना कहीं खास करके वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है। जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम गेट्स रिलीफ एज सेंटर टेक्स दिस बिग स्टेप्स। तो पूरी न्यूज क्या है वो बताने की कोशिश करूंगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्लैशड परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल बैक गारंटी रिक्वायरमेंट ऑफ द टेलीकॉम ऑपरेटर 20% ऑफ द करंट अमाउंट। मतलब कि जितनी भी अमाउंट अभी तक रखनी थी उससे यहाँ पे 20% ही अमाउंट उसको एज ए बैंक गारंटी के तौर पर जमा रखनी होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पे जो अभी 80% जो राशि होगी वो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया यूज कर सकती है। पहला क्या करना पड़ता था कि पर्टिकुलर कुछ राशि थी, यहाँ पे फिगर भी दिया गया है कि पहले जो राशि थी 220 करोड़ के आसपास मैंडेटरी था सिस्टम में रखने के लिए यहाँ पे एज ए बैंक गारंटी के तौर पे, परंतु वो अभी होकर के यहाँ पे 44 करोड़ ही रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं इसमें से जो अगर आप 44 करोड़ निकालोगे तो 180 करोड़ के आसपास की राशि बचती है, जो कि अभी वोडाफोन आइडिया अपने बिजनेस के लिए अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं लिक्विड वन टाइम से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो वोडाफोन आइडिया के पास रहेगी ज्यादा, क्योंकि पहले ये अमाउंट थी वो ब्लॉक रहती थी, अभी इसमें से 44 करोड़ के आसपास की राशि ही उसको एज ए बैंक गारंटी के तौर पर रखना है। और काफी ज्यादा और भी फायदे है, फंड की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे इतनी ज्यादा भी रहेगी नहीं, क्योंकि अभी एज ए बैंक गारंटी के तौर पर जो पैसे थे वो रिलीज हो जाएंगे। तो अपने आप में मुझे लगता है खास करके वोडाफोन आइडिया के लिए ही ये बड़ी खबर है। हालांकि भारतीय एयरटेल जियो के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि उसको भी ऐसा लाभ मिलेगा, पर उसको यहाँ पे बात करूं तो इतनी ज्यादा लिक्विडिटी की समस्या नहीं थी। जो समस्या थी वो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को खास करके थी। मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा और चार्ट पे सिचुएशन क्या चल रही है वो बताने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज कंटिन्यूसली वीक चलता रहा है, आप देख सकते हो ऊपर की तरफ 11 रुपए 90 पैसे से लेकर 12 रुपए का जोन है, 12 रुपए 20 पैसे का जोन है, वो एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे पिछले 2 वीक से हमें ऊपर करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको काफी बार बताया है जब तक ए रेंज क्लियर नहीं होगी तब तक आपको 13 रुपए के दर्शन भी नहीं होंगे और 13 रुपए पैसे के भी दर्शन नहीं होंगे, जो कि मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ। अभी बात करें 11 रुपए 20 पैसे के आसपास बढ़िया सपोर्ट है, तो यहाँ पे 2-3 दिन से संभलने की कोशिश भी कर रहा है। अगर ये लेवल टूटता है तो 10 रुपए 80 पैसे के आसपास का भी लेवल अच्छा है, तो वहां पे भी संभलने की कोशिश कर सकता है। पर मेरा मानना है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और 10 रुपए 30 पैसे से लेके 10 रुपए का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के आसपास अगले वीक में या कभी मिलता है तो आपको बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन फिर से क्रिएट करनी चाहिए। ऊपर वही होगा 11 रुपए 90 पैसे से लेके 12 रुपए 20 पैसे का जोन एज ए रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर 13 और 13 रुपए 65 पैसे का जोन अगले वीक के लिए है। पर तो पहले क्या होगा कि इन लेवलों को आपको क्रॉस करने देना होगा, फिर ही यहाँ पे बड़ी मूव आएगी। तो हो सकता है कि अगले वीक में भी थोड़ा बहुत आपको साइडवेज देखने को मिला, जब तक फंड रेजिंग या तो फिर क्वार्टर के नंबर की यहाँ पे बड़ी ट्रिगर इनको नहीं मिलती। यहाँ पे देखिए आरएसए का लेवल तो 44 के आसपास का है, आरएसए का लेवल बढ़िया है, यहाँ पे एकदम फ्लैट के आसपास नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको वॉचआउट करना है, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करनी है और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजिशन बनाने की कोशिश करनी है। और मैं फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा कि प्राइम चैनल का लाभ लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट करना बिल्कुल ना भूलिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।